रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर नगर निगम के वादा खिलाफी को लेकर मंगलवार को भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा नगर निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया गया है। वही ज्ञापन के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 साल पहले नगर निगम क्षेत्रीय कार्यालय घंटाघर के पास की दुकानों को तोड़ दिया गया था। दुकान मालिकों से नगर निगम द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था कि दुकानदारों को गोहलपुरा लेमा गार्डन के पास नवनिर्मित रेडीमेड्स गारमेंट्स कॉम्प्लेक्स में दुकानें आवंटित कर दी जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक दुकानदारों को वही दुकानें उपलब्ध नहीं कराई गई है। दुकानदारों को दुकानें उपलब्ध न होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस के लोगों का कहना है कि समय रहते अगर दुकानदारों को दुकानें उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे शीघ्र ही उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। और गोहलपुर में भी आपका निर्माण कार्य पूरा हो गया, अगर इनकी दुकानें मिल जाए तो आज इस सड़कों को जो धंधा करने के लिए परेशान है, चाय बेच रहे हैं, ठेला लगा रहे, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं लोग हैं। और हम लोग ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और अगर 15 दिन के अंदर कुछ नहीं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग उस कॉम्प्लेक्स के ताले तोड़ के उनको दुकान दिलाने के लिए होगा, चाहे हम लोग पूरे लोग जाएंगे अंदर, वो सबको दुकान जहाँ थे जिस जगह पे वो मकान बना है, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, अपना डेरा डंकल लेके बैठ गए। इसकी जवाबदारी आपकी और पूरी नगर निगम जिला प्रशासन की होगी। आज भारतीय युवक कांग्रेस के द्वारा नगर निगम आयुक्त महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि नगर निगम क्षेत्रीय कार्यालय के पीछे बने हुए मार्केट को विगत 3 वर्ष पूर्व नगर निगम के द्वारा तोड़ दिया गया था और वहां के जो मालिक थे, जो दुकानदार थे, उनको ये आश्वासन दिया गया था कि गोहलपुर में जो रेडीमेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसके एवज में हम आपको वहाँ पर दुकानें आवंटित करेंगे। किंतु आज 3 वर्ष बीत गए हैं। इस संबंध में जब दुकानदारों ने माननीय न्यायालय में जाकर आपत्ति दर्ज कराई तो नगर निगम प्रशासन के द्वारा माननीय न्यायालय को हलफनामे के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि हम 6 महीने में इन दुकानदारों को दुकानें आवंटित कर देंगे। किंतु आज 3 वर्ष बीत चुका है। आज हमने नगर निगम आयुक्त से पुनः आवेदन के माध्यम से ये निवेदन किया है कि वो जल्द से जल्द दुकानदारों को दुकानें आवंटित करें, अन्यथा युवक कांग्रेस उग्र प्रदर्शन हेतु बाध्य होगी, जिसकी समस्त जवाबदारी निगम प्रशासन की होगी। श्रीकांत विश्वकर्मा, भारतीय युवक कांग्रेस। आज हम लोग युवक कांग्रेस के साथी व्यापारियों के पक्ष में नगर निगम आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। जैसा कि विदित है कि दिल्ली दरबार होटल जो तैयबअली पेट्रोल पंप के सामने है, नगर निगम ने अपना स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए वो दुकानों को आपसी सहमति के आधार पर खाली करवाया था और ये वादा किया था कि हम 6 माह के अंदर वो दुकानें आवंटित कर देंगे, लेकिन आज दिनांक तक वो व्यापारी, वो दुकानदार सड़कों पर दुकान लगाने के लिए मजबूर है। और हम लोग सबकी मांग है कि कोरोना काल को दृष्टिकोण में रखते हुए तो मानवीयता आधार पे अपना वादा निभाइए और उन्हें अन्य जगह गोहलपुर की दुकानें जो बन चुकी हैं उनमें दुकानें आवंटित करिए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। अन्यथा युवक कांग्रेस परिवार इन दुकानदारों की लड़ाई हर स्थिति में लड़ने को तैयार है और 15 दिनों के अंदर अगर इन्होंने दुकान आवंटित करने के लिए कोई आगे कार्रवाई नहीं की तो युवक कांग्रेस परिवार उन दुकानदार परिवारों के साथ जाकर के उस जगह पर उनको आवंटन दिलाने का काम करेगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन शासन की होगी। रविंद्र गौतम, पूर्व प्रदेश महासचिव युवक कांग्रेस। हाँ, आज ये भारतीय युवक कांग्रेस के द्वारा ये घंटाघर में जो उनका दुकानें थी उनको तोड़ के जो मार्केट बनाया गया है उसमें ये अपना आवंटन लेना चाहते हैं, उसी संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।